लोकसभा चुनाव में एक नेता हर रैली और सभा में सुर्खियां बटोर रहा था। आपने उसे हर रैली और सभा में गमछा घुमाकर नाचते हुए भी देखा होगा। उन नेताजी ने इस चुनाव को बहुत बेहतरीन खेला, क्योंकि उन्हें पता था कि 10 साल से खोने को कुछ भी नहीं है और जो कुछ भी बटोर लिया वह उपलब्धि होगी। आम चुनाव 2024 पूरे हो गए हैं, परिणाम के बाद प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया है। लेकिन चर्चा है तो सिर्फ यह कि इस बार का चुनाव परिणाम भाजपा की सोच के अनुरूप नहीं आया। बात करें राजस्थान प्रदेश की तो साल 2014 में राजस्थान की सभी 25 सीटें भाजपा को मिली थी। इसके बाद साल 2019 में भी भाजपा इस आंकड़े को बनाए रखने में कारगर साबित हुआ। 24 सीट भाजपा ने जीती तो वहीं एक नागौर सीट भी एनडीए गठबंधन की पार्टी आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने जीतकर प्रदेश की पूरी 25 सीटों पर कब्जा बरकरार रखा। लेकिन साल 2024 के चुनाव परिणाम में भाजपा की उम्मीदों के पंख टूट गए और प्रदेश में पार्टी लगभग आधी रह गई। प्रदेश की 25 सीटों में से 14 सीटों पर भाजपा व 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने कब्जा जमाया। इंडिया गठबंधन की 11 सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस, एक सीकर सीट पर माकपा, एक नागौर सीट पर आरएलपी और एक बांसवाड़ा सीट पर आदिवासी पार्टी ने कब्जा जमा लिया। सियासी गलियारों में यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। 10 साल से बीजेपी का मजबूत गढ़ बनी राजस्थान के परिणाम की चर्चा जब दिल्ली तक पहुंची तो एक नाम निकल कर आया और वो नाम था गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बार का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डोटासरा ने बेहतरीन रणनीति बनाई। भले ही वह पार्टी का कुनबा बढ़ाना हो, दूसरे दलों के साथ गठबंधन करना हो, टिकट वितरण हो, पार्टी नेताओं में सामंजस्य बनाना हो या अपने देसी फटकारों से विपक्ष को घेरना हो, डोटासरा सभी खानों में मजबूत खड़े दिखे। चूरू से राहुल कस्वा के बागी होने पर उन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाकर पहले चरण से ही बीजेपी की घेराबंदी शुरू की। सीकर से माकपा व नागौर से आरएलपी के साथ गठबंधन करवाकर क्षेत्रीय वोट बैंक को साथ लिया। हालांकि खुद के गृह क्षेत्र में माकपा से गठबंधन करने पर हल्के विरोध के स्वर आए थे, लेकिन सभी को एक साथ लेकर खुद माकपा प्रत्याशी के साथ चुनाव मैदान में उतरी। विधानसभा चुनाव में बहुत कम वोट प्रतिशत वाली पार्टी के लिए टिकट छोड़ने पर सभी को अचरज तो था, लेकिन कहीं ना कहीं यह डोटासरा की द्रुतगामी सोच ही थी कि सीकर, नागौर व फिर बांसवाड़ा सीटों पर गठबंधन ने कब्जा जमाया। डोटासरा का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बाड़मेर में भी देखा गया, जहां आरएलपी नेता उम्मीदाराम बेनीवाल को पार्टी में लाकर टिकट दिलाया और भाजपा से केंद्रीय मंत्री को पटकनी दे डाली। डोटासरा ने इस चुनाव को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेला, क्योंकि डोटासरा को पता था कि पिछले 10 साल से प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। इससे बुरा परिणाम तो पार्टी के लिए हो नहीं सकता। इसके बाद जो कुछ भी मिल गया वह बड़ी उपलब्धि ही होगी, इसलिए डोटासरा जितना कुछ बटोर सकते थे बटोर तक गए। डोटासरा अपनी देशी भाषा में फटकारों के कारण काफ़ी लोकप्रिय हुए और युवाओं ने भी उन्हें काफ़ी पसंद किया। हर सभा में वह गमछा घुमाकर नाचते गए और लोग उनके साथ जुड़ते गए। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद लोगों में चर्चा है कि अगर विधानसभा चुनाव में भी डोटासरा इसी अंदाज में होते तो आज परिणाम कुछ और होता। खैर, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए विधानसभा चुनाव हारने वाले डोटासरा ने लोकसभा चुनाव परिणाम से दिल्ली में अपना कद काफ़ी बढ़ा लिया है और अब चर्चा है कि पार्टी अभी डोटासरा को ही प्रदेशाध्यक्ष बनाए रखना चाहती है। आगामी दिनों में प्रदेश में होने वाले उपचुनाव तक अगर डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष रहे तो वह चुनाव भी डोटासरा के राजनीतिक भविष्य के लिए निर्णायक साबित होगा, जो देखना बहुत रोचक होगा।